मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जी जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते, क्यों लिखते हैं वो ब्रांडेड? जाने नहीं देंगे बाहर फिर? नहीं नहीं, सब जाने देंगे। जब एक नया नया मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेल्स बढ़ाने का उनका काम होता है, मार्केटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सेल्स एजेंट होते हैं बेसिकली। फिर वो कहते हैं साहब आप हमारी जो दवा है यही लिखना, ये बहुत बेहतर दवा है, इससे मरीज ठीक होगा। और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से 5-10 गुना 20 गुना तक बढ़ा देता है। एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं तो बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं जो भारत की जो सबसे बेहतर कंपनियां जिसके भी नाम वो रेपुटेड कंपनियां जिनके नाम आप ले सकते हैं वो सभी हमें वो उसको जो 70 रुपये की है उसको 2 रुपये में 5 रुपये में दे रही है, 30 रुपये की दवा 2 रुपये में दे रही है। इतना ज़्यादा फर्क तो कंपनी तो दे सकती है और देना चाहती है और हमें देती भी है इतनी कम दामों में, हमें दे रही है ना, ये संभव तो है। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि भारत से हम लगभग 45,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं। आप भेजते हैं दुनिया भर में जेनरिक, ये जो सस्ती दवाएं हैं आप विश्व भर में भेजते हैं? यस, विश्व भर में। हमारे लोगों को नहीं मिल, हमारे देश में महंगी है, हमारे देश में महंगी है। और अगर ऐसा है तो हमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं, हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं।